प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी, इसमें सबसे पहले मैं आप सब लोगों को जानकारी ये देना चाहता हूँ कि हमारे रीवा ज़िले के जनपद पंचायत गंगेव में एक ग्राम पंचायत सूरा, ग्राम पंचायत सूरा का द्वितीय चरण में 1 तारीख को निर्वाचन हुआ। वहाँ पर निर्वाचन पंच के लिए, सरपंच के लिए, जनपद के लिए और जिला पंचायत के लिए एक साथ चारों पदों के लिए निर्वाचन प्रारंभ हुआ। जिस तरीके से निर्वाचन का नियम ये है कि मतलब सुबह 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक निर्वाचन संपन्न कराना, अगर 3 बजे के बाद भी ऐसे मतदाता हमारे निर्वाचन या मतदान स्थल पर पहुंच जाते हैं और लाइन लगी जाती है तो उनका भी मत पड़ाने का नियम। ठीक उसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी वहां पर अलग अलग मतदान केंद्र के थे, जिन्होंने 3 बजे के बाद अगर लाइन में लगे थे मतदाता और अपने मतदान परिसर में आ गए थे, उनको टोकन बात करके उनका मतदान करवाए और मतदान किसी भी प्रकार से कोई बाधा नहीं, कोई किसी प्रकार से दिक्कत नहीं, सभी लोगों का मत पड़ गया। कोई भी ऐसा मतदाता नहीं बचा जिनका मत न पड़ा हो, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद अपने मतदान पड़ने के पश्चात हमारे सूरा पंचायत में 4 पोलिंग थी, पोलिंग क्रमांक 175, पोलिंग क्रमांक 176, पोलिंग क्रमांक 177 और पोलिंग क्रमांक 178। इसमें 4 पोलिंग थी, चारों पोलिंग में शांतपूर्वक मतदान होता है। शांतपूर्वक मतदान होने के पश्चात मतपत्र पेटी सील की जाती है और सभी हमारे प्रत्याशियों के उसमें मतदान अभिकर्ता रहते हैं, उनकी सबकी दस्तखत होती है, कोई विवाद नहीं, किसी भी प्रकार से कोई विवाद नहीं। फिर इसके बाद सभी मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारी द्वारा यह कहा जाता है कि अब तत्काल काउंटिंग प्रारंभ करनी है, इसलिए सभी जो हमारे अभ्यर्थी अपना अपना एजेंट प्रस्तुत करें, एजेंट के फार्म जमा करें जिससे हम मत गणना प्रारंभ कर सकें। सभी अपने अभ्यर्थी के जो हमारे मतगणना एजेंट होते हैं वो अपने फार्म जमा करते हैं और कुछ देर बाद मतगणना प्रारंभ हो जाती है। चारों मतदान केंद्रों की मतगणना प्रारंभ होती है और क्रमशः मतगणना प्रारंभ होती है। प्रारंभ होने के पश्चात पहले अलग अलग रंग के अलग अलग वो मतपत्र जो है इकट्ठा करते हैं। फिर इसके बाद इकट्ठा करने के पश्चात सभी जितने भी उम्मीदवार थे, जिन उम्मीदवार को जितने मतपत्र मिले थे उनके सबकी अलग अलग गड्डी बनती है। ठीक उसी में कुछ मतपत्र अनवैलेट होते हैं, उनकी सबकी अलग अलग गड्डी बनती है। जो हमारा मतगणना का नियम है, निर्वाचन का नियम है, उस तरीके से किया जाता है, किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं आती, किसी प्रकार से कोई विवाद नहीं होता और ना ही किसी भी प्रकार से किसी के द्वारा कोई वहाँ पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई जाती पीठासीन अधिकारियों को द्वारा। अंत में मतदान क्रमांक 175, मतदान क्रमांक 176, मतदान क्रमांक 177 और मतदान क्रमांक 178 चारों मतदान केंद्रों की काउंटिंग हो जाती है। काउंटिंग होने के पश्चात जो नंबर 2 में रहती हैं दीप्ति द्विवेदी सुनील द्विवेदी और उनके ससुर का नाम है जो उनके इलेक्शन अभिकर्ता थे मोहन प्रसाद द्विवेदी, उनके द्वारा यह आपत्ति की जाती है कि नहीं को पुनः इसमें रिकाउंटिंग कराई जाए। जबकि जब काउंटिंग हो रही थी उस समय उनके द्वारा किसी भी प्रकार से कोई आवेदन किसी भी मतदान केंद्र में नहीं दिया गया। हमारा निवेदन आप सब लोगों से ये है कि जिस तरीके से हमारे सूरा ग्राम पंचायत में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, शांतिपूर्ण मतदान होने के पश्चात शांतिपूर्ण काउंटिंग हुई और काउंटिंग के दरमियान किसी भी प्रकार से किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा, चाहे वो पंच का अभ्यर्थी हो, चाहे वो सरपंच का अभ्यर्थी हो, चाहे वो जनपद का अभ्यर्थी हो, चाहे जिला पंचायत का अभ्यर्थी हो, किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा या अभ्यर्थी के एजेंट के द्वारा कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत की गई, किसी प्रकार से रिकाउंटिंग के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया भाई साहब। जबकि सभी चारों पदों के लिए जो वोट पड़ रहे थे एक ही पेटी में पड़ रहे थे, सबके एजेंट बैठे हुए, किसी प्रकार से नहीं किया गया। और जब पीठासीन अधिकारी द्वारा शांतिपूर्वक गणना कर ली गई, गणना के पश्चात उनका गणना पत्रक भर लिया गया, सभी प्रत्याशियों के एजेंट को गणना पर्ची प्रदाय कर दी गई, प्रदाय करने के पश्चात
जब दीप्ति द्विवेदी चुनाव हार गई और कृष्णावती तिवारी चुनाव जीत गई, तो वो चूंकि हारने के प्रतिशोध में, हारने की कुंठा में, उनके द्वारा अनर्गल और अप्रमाणित बातों को उल्लू कहते हुए उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी और पीठासीन अधिकारी से उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग करने लगे और ये कहने लगे कि हम पुनः रिकाउंटिंग कराना चाहते हैं, धांधली हुई है। अध्यक्ष तिवारी चूंकि विधानसभा अध्यक्ष के सेक्रेटरी हैं, इनके दबाव में आप लोग काम कर रहे हैं, अनर्गल तबाव तरह तरह के लाभ करने लगे। उनके द्वारा ये कहा गया किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, ना कुछ है, बहुत अच्छा शांतिपूर्वक आदर्श पोलिंग हमारी ग्राम पंचायत सुधा थी, वहाँ पर वोटिंग हुई। जीता हुआ प्रत्याशी पत्रकार वार्ता इसलिए आज करने आ रहा है कि जिस तरीके से मिथ्या, अप्रमाणित, असत्य जो जिनके द्वारा प्रलाप किया जा रहा है और तमाम पेपर में, मीडिया में, सोशल मीडिया में तमाम अनर्गल आलाप किए जा रहे हैं, उसका खुलासा होना चाहिए। अगर किसी भी हमारे विरोधी के पास कोई ऐसा 20 वोट से जीतने का और 3 वोट से हारने का कोई प्रमाण हो, तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ वो प्रमाण प्रस्तुत किए जाए। मेरे पास तो जीतने का प्रमाण है, वोट पड़ने का प्रमाण है, किसी भी प्रकार से कोई काउंटिंग नहीं हुई इसका प्रमाण है। क्या भी बता सकते हैं कितने वोट अनबैलेट किए गए थे वागाड़ना के द्वारा? नहीं, देखिए अलग अलग मतदान केंद्र में, अलग अलग मतदान केंद्र में अनबैलेट हुए हैं। ये चूंकि रिजल्ट देना है 14 तारीख को, पूरा परिणाम हमारा पीठासीन अधिकारी नहीं देते हैं। जब मतगणना हो गई उसमें अनबैलेट नहीं हुए, लेकिन उसके बाद लगातार अनबैलेट होते गए चुनाव। आप ऊपर नहीं, नहीं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा कहीं हुआ ही नहीं है। जो अनबैलेट पहले निकले वही अनबैलेट बाद में निकले। आरोप है कि सेकंड टर्म में आपका उनका बैलेट कम किया गया और आपको आगे बढ़ाया गया, ऐसा कोई आरोप? बिल्कुल आरोप निराधार है, इसीलिए तो पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं पत्रकार वार्ता करके खुलासा कर रहा हूँ कि आरोप उनका निराधार है। फिर गणना की गई, गणना बीच में रुकी नहीं, एक बार गणना हुई, पहले ही गणना में विजयी हो गया चारों पोलिंग में।